नमस्ते टू ऑल ऑफ यू यू एंड आई वेलकम इन द टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज दिस इज द मेसेलेनियन पार्ट ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड हमने सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक को कवर कर लिया था अब हम कुछ ऐसे टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो कि क्या हो रहे हैं जो कि जनरली पी वाई यू में आपको स्पेसिफिकली पूछे जा रहे हैं आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से मैंशन नहीं है तो हम उनको एज अ सेपरेट यूनिट के तौर पर ले रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं सो लास्ट टाइम वी आर कवर्ड द डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग फिर उसके बाद हमने देखा था ब्लूम टैक्सोनॉमी और आज के क्लास में जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं इज रिगार्डिंग द माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो जब हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो वर्ड आप समझिए माइक्रो ठीक है यानी सूक्ष्म ठीक है और टीचिंग मतलब अधिगम ठीक है इसका मतलब क्या होता है कि क्या मैं आपको जस्ट जस्ट फॉर अ कॉन्सेप्ट ठीक है मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं पता है और उस केस में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होना चाहिए जस्ट गेस इट ठीक है जब हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो इसको कहते हैं सूक्ष्म सुच, शिक्षण यानी कि टीचर आपको थोड़ी देर पढ़ा के चले जाते हैं क्या लगता है ये होता है जब हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे स्टूडेंट की बात नहीं की जाती है यहाँ पे किसकी बात हम करेंगे यहाँ पे हम टीचर की बात करेंगे ठीक है यहाँ पे अब स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं है अब हम किसको पढ़ाने जा रहे हैं जो पहले पढ़ा लिखा हुआ है उसको पढ़ाने जा रहे हैं तो जो पहले से पढ़ा लिखा है क्या आप उसको फिर से पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे ना उसके लिए क्या जरूरी है माइक्रो आप उसको स्वर्ड फॉर्म में पढ़ाओगे कि कैसे पढ़ाया जाए उसी को हम क्या कहते हैं माइक्रो टीचिंग तो ये वर्ड का मतलब समझना है जरूरी है माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है जब हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो ये संबंधित है टीचर के ट्रेनिंग से यानी टीचर कैसे बच्चों को पढ़ाए उसके बारे में हम उसको ट्रेनिंग देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं माइक्रो टीचिंग ठीक है यहाँ पे क्या किया जाता है जो टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में दी जाती है ठीक है एक कंट्रोल सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल आपको क्या कर दिया जाएगा एक क्लास क्रिएट कर दिया जाएगा आपने वर्ड सुना होगा डेमो क्लास है ठीक है यानी कि जब आप देखोगे यहाँ पे क्या किया जाता है एक क्लास क्रिएट कर दिया जाता है आप टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू देने जाओगे तो वो पूछेंगे कि इमेजिन वहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड दिया रहेगा और आपको दिखाना है कि आप अगर क्लास में जाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे ठीक है तो आपको कोई एक टॉपिक लेकर के आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपके एक्सपर्ट बैठे रहते हैं या फिर वो आपको देखते रहते हैं आप कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है पर्सनालिटी क्या है तो इस तरीके से आपको क्या किया जाता है ट्रेन किया जाता है कि आप एक्चुअल इन्वॉमेंट में कैसे पढ़ाएंगे तो टीचर ट्रेनिंग एक टेक्निक है ठीक है सॉरी माइक्रो टीचिंग एक टीचर को ट्रेन करने की टेक्निक है जहाँ पे किसी कंट्रोल सिचुएशन में आपको क्या किया जाता है टीच कराने की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे आपको जैसे लेबरेट्री सेटअप में एक पर्टिकुलर स्किल्स को क्या किया जाता है आपके अंदर डाला जाता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए आप सेंटर में खड़े रहें ताकि आपके बच्चे चारों तरफ से आपको ध्यान दें तो इस तरीके से आपको क्या किया जाता है ध्यान में रख कर के आपको ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पे टीचर की स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है ये जो प्रोसेस होता है ये माइक्रो टीचिंग जो प्रोसेस होता है दैट इज़ द साइक्लिक इन नेचर ठीक है यहाँ पे टीचर क्या होता है साइक्लिक इन नेचर होता है यानी कि टीचर को क्या किया जाता है वो अपने मेथड को बार बार इम्प्रूव करके वो अपनी टीचर की क्वालिटी टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में क्या होता है कि टीचर क्या करता है शुरुआत में प्लानिंग करते हैं कि मैं क्लास में जाके कुछ इस तरीके से पढ़ाऊँगा फिर वो क्या करता है टीच करता है और टीच करने के बाद उसको एक फ़ीडबैक मिलता है और फीडबैक जैसा हो मान लीजिए कि अगर उसे फीडबैक मिला कि नहीं आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है या फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया या फिर जो है ना आपको फिर से एक अलग मेथड अपनाना है तो वो क्या करेगा फिर से री प्लान करेगा और वह फिर से री टीच करेगा और इस तरीके से यह प्रोसेस क्या चलते रहता है इट्स अ साइकिलिंग इन नेचर और उससे वो उसकी ट्रेनिंग इम्प्रूव होती जाती है तो यहाँ पर आपकी टीचिंग री प्लानिंग री टीचिंग प्रोसेस चलती रहती है जब भी हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं इट्स अ साइक्लिंग इन नेचर ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो टीचिंग जिसमें आपसे पूछा गया है कि माइक्रो टीचिंग क्यों जरूरी है टीचर को ट्रेन करने के लिए और इसमें क्या किया जाता है आपकी जो एक्चुअल क्लास की साइज है फॉर एग्जाम्पल आप किसी सिक्सटी बच्चे को पढ़ाने वाले हो एक्चुअली क्लास में तो आपको माइक्रो टीचिंग में पंद्रह बच्चों की एक क्लास दी जाती है ताकि आप पहले से प्लान हो कि आपको क्लास में कैसे हैंडल करोगे ठीक है ये जो कॉन्सेप्ट ये जो आइडिया है ये डी डब्ल्यू एल एन ने दिया था ताकि आप स्ट्रक्चर वे में किस तरीके से आप क्लास को हैंडल करें यहाँ पे आपको इस चीज़ पे ध्यान दी जाती है यहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है कि आप एक्चुअल सेटिंग क्लास जो क्लास की एक्चुअल सेटिंग है उसमें आप लड़खड़ाएं नहीं आराम से उसको नॉर्मल वे में नेचुरल वे में आप क्या कर सको अपने लेक्चर को डिलीवर कर सको तो यहाँ पर आपको फीडबैक के थ्रू आपकी प्रोफेसर आपकी मान लीजिए कि आपके को स या फिर आपके को टीचर्स की मदद से आप क्या करते हो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हो और इसमें आप धीरे धीरे मास्टरी हासिल करके और वो स्किल अपने अंदर ग्रहण कर लेते हो सो दिस इज द स्केल डाउन अप्रोच ये स्किल डाउन अप्रोच इसलिए है कि वे एक्चुअल क्लास ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल क्लास आपकी दो घंटे की है तो यहाँ पे सिर्फ थर्टी मिनट की क्लास होगी तो और मान लीजिए कि एक्चुअल क्लास में साठ बच्चे हैं तो यहाँ पर पंद्रह बच्चे हो जाएंगे तो ये स्केल डाउन यानी कि स्मॉल क्लास में आपको क्या की जाती है ट्रेनिंग दी जाती है और इससे आपकी रियल टीचिंग जो है वो निखर जाती है यानी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड माइक्रो टीचिंग अब माइक्रो टीचिंग से हर बार क्वेश्चन आता है सो दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसको किसने दिया क्यों ज़रूरी है क्यों साइक्लिक प्रोसेस इसे क्यों कहा जाता है क्यों इसे स्केल डाउन कहा जाता है ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए दैट्स वाई इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जस्ट कीप रीडिंग बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द परस्पेक्टिव ऑफ़ द एग्जाम